हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम एम गो और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। टुडेज टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। My dear student, there are three delegation of authority. Number one, responsibility. Number two, authority. Number three, accountability. My dear student, जब भी हम delegation of authority की बात करेंगे तो आपके दिमाग में एक ही बात स्ट्राइक होना चाहिए कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी व्यक्ति का वर्कलोड बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, अपने काम को दूसरे व्यक्ति से करवाना चाहता है, और जब ये काम किसी दूसरे से करवाया जाता है तो बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिना ऑथोरिटी और बिना अकाउंटेबल का ये संभव नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नंबर वन, रेस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर टू, अथॉरिटी। नंबर थ्री, अकाउंटेबिलिटी। नाउ वन बाय वन आई एक्सप्लेन टू यू। नंबर वन, रेस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का पहला एलिमेंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व। एक्चुअल द मीनिंग इन हिंदी ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी। जैसे किसी व्यक्ति को कोई काम दिया जाता है तो उसकी जिम्मेवारी होती है कि उस काम को उसको पूरा करना है। तो सबसे पहला डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जो पहला एलिमेंट है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस व्यक्ति को काम दिया जाता है उसका जिम्मेवारी है कि उस काम को सही ढंग से पूरा करे। माय डियर स्टूडेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइनमेंट। ये जो सबऑर्डिनेट होते हैं, सुपीरियर के जो नीचे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट का कर्तव्य है, उसका काम है, जिम्मेवारी है, क्या, जो काम उसको दिया गया है उसको ठीक से पूरा करे। सो रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। जो काम उसको दिया गया है उसको ढंग से पूरा करे, ये उसकी क्या है, जिम्मेवारी है। When a superior assign a job to his, जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को जॉब असाइन करता है, काम सौंपता है, काम देता है, इट बिकम द रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसकी क्या बन जाती है, उत्तरदायित्व बन जाता है, उसकी क्या बन जाती है, जिम्मेवारी बन जाती है, क्या, ऑफ द सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट दैट जॉब। क्या हो जाता है कि जो उसको काम दिया गया है उस काम को उसको पूरा करना है। माय डियर स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी।
उसमें सबसे पहला एलिमेंट था रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जब भी किसी सबऑर्डिनेट को काम दिया जाता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका उत्तरदायित्व है, उसकी जिम्मेवारी है कि उस काम को ठीक से पूरा करे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका लक्षण क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का लक्षण क्या है, फीचर क्या है। तो सबसे पहला फीचर है रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइन टू सम अदर पर्सन। ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमेशा दूसरे व्यक्ति को सौंपा जाता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइन टू सम अदर पर्सन। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। सो दैट्स व्हाई हियर इज रिटन रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइन टू सम अदर पर्सन। रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा किसको दिया जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। नंबर टू, द एसेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज बी ड्यूटीफुल। और रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो मेन मतलब है, उसका जो सारांश है, उसका जो सार है, वो क्या है, कर्तव्य का पालन करना। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मेन मीनिंग है, सार है, सारांश है, कब शब्दों में हम कह सकते हैं कि कर्तव्य का पालन करना, जो काम उसको दिया गया है उसको ढंग से करना, मतलब कर्तव्य का पालन करना। सो दैट इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ नंबर थर्ड, इट गेट्स ऑरिजिनेट बिकॉज ऑफ सुपेरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। और इसका जन्म कहां से हुआ है, इसका जन्म हुआ है सुपेरियर और सबऑर्डिनेट का जो संबंध है उससे जन्म होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी का जन्म कैसे होता है, सुपेरियर और सबऑर्डिनेट का जो संबंध है उससे पैदा होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो माय डियर स्टूडेंट, जस्ट हमने आपको बताया रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। नाउ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी इज ऑथोरिटी। ऑथोरिटी अधिकार देना, किसी को पावर देना, ऑथोरिटी। जब आप किसी को ऑथराइज करते हैं, पावर देते हैं, तो उसमें वो पावर होता है कि किसी तरह से वो डिसीजन ले सके, वो जो रिसोर्सेस है उसका ढंग से इस्तेमाल करे, क्या करना है क्या नहीं करना है वो डिसीजन वो खुद से ले सकता है। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, दैट इज ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। ऑथोरिटी का मतलब होता है वह शक्ति जिससे वो निर्णय ले सके। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, ऑथोरिटी का मतलब है कि वो पावर, वो शक्ति जिससे वो खुद डिसीजन ले सके। डिसीजन कैन बी रिलेटेड टू यूज ऑफ रिसोर्सेज। और ये डिसीजन किससे संबंधित होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेस है उसका वो इस्तेमाल कैसे करेगा। एंड टू डू और नॉट टू डू समथिंग, और क्या करना है क्या नहीं करना है इसका भी निर्णय वो खुद ले सकता है। दिस इज द ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब ही होता है कि ऑथोरिटी एक क्या है, पावर है, शक्ति है, जिससे वो डिसीजन ले सकता है। वो डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेस हो, या ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है या क्या नहीं करना है, ये सारा डिसीजन वो ले सकता है। दिस इज कॉल ऑथोरिटी, दिस इज कॉल ऑथोरिटी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑथोरिटी,
अब हम लोग बात करेंगे कि ऑथोरिटी के लक्षण क्या हैं, उसके फीचर क्या हैं। नंबर वन, ऑथोरिटी कैन बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन। ये जो ऑथोरिटी है ये दूसरे को सौंपा जाता है। डेलीगेट का मतलब सौंपना। ऑथोरिटी एक ऐसा चीज है जो दूसरे को क्या किया जाता है, सौंपा दिया जाता है, उसको अधिकार दिया जाता है कि अब तुम खुद से डिसीजन ले सकते हो। नंबर टू, इट इज रिलेटेड टू द पोस्ट। और इसका संबंध किससे है, पोस्ट से है। अगर आप किसी पोस्ट में हैं और अगर आपका पावर नहीं है तो उस पोस्ट का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ये जो ऑथोरिटी की बात हम लोग करते हैं, इसका संबंध किससे है, पोस्ट से है, पद से है। आप किस पद में हैं? आप प्रिंसिपल हैं, पोस्ट में प्रिंसिपल हैं, लेकिन आप किसी तरह ना बच्चों को डांट सकते हैं ना टीचर को कुछ बोल सकते हैं, तो फिर आपके पोस्ट का कोई मतलब नहीं है। पोस्ट का मतलब होता है पावर, ऑथोरिटी। वो डिसीजन ले सकता है, किसी काम को करने से मना कर सकता है या किसी काम को चालू कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि ये जो ऑथोरिटी होता है उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज रिलेटेड टू द पोस्ट। इसका संबंध किससे है, पद से है, पोस्ट से है। कोई पोस्ट है और उसके पास कोई ऑथोरिटी नहीं है तो वो पोस्ट बेकार है। इसलिए इसका संबंध जो है वो किससे है, पोस्ट से है। नंबर थर्ड, इट मेक इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन पॉसिबल। डिसीजन को संभव बनाता है। ऑथोरिटी क्या है, कोई भी डिसीजन अगर हम लोग लेते हैं तो उसको लागू करने का संभव करता है। लागू करने के लिए क्या करता है, संभव करता है, पॉसिबल होता है। एंड नंबर फोर, ऑथोरिटी इज द की ऑफ मैनेजरियल जॉब। ये की है, ऑथोरिटी जो होता है वो जो मैनेजरियल जॉब होता है, जिस जो मैनेजर होते हैं उसके लिए अगर ऑथोरिटी नहीं तो मैनेजर के पद का कोई मतलब ही नहीं। बिकॉज अ पोस्ट विदाउट ऑथोरिटी, कोई भी ऐसा पोस्ट और जिसमें ऑथोरिटी नहीं है, बिकॉज ए पोस्ट विदाउट ऑथोरिटी कैन नॉट बी मैनेजरियल। और जिस पोस्ट में, जिस मैनेजरियल पोस्ट में ऑथोरिटी नहीं होगी तो वो जो पोस्ट है वो मैनेजरियल हो ही नहीं सकता है। नाउ एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी नंबर थ्री, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, जवाबदेही। अगर आपको कोई काम दिया गया है तो आपको अकाउंटेबल होगा जिसने आपको काम दिया है। माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, अकाउंटेबिलिटी। अगर आपको किसी ने काम दिया है तो आपको अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए कि उस काम को हम कैसे पूरा करें। सो अकाउंटेबिलिटी मीन्स द आंसर एबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट टू हिज सुपीरियर। आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, किसको, सुपीरियर को। आप क्या हैं, सबॉर्डिनेट हैं, और आपको आंसर देना है, जवाब देना है। किसको जवाब देना है, अपने सुपीरियर को, अपने सुपीरियर को, फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस। कि आपको जो जॉब असाइन किया गया था, आपको जो काम दिया गया था, वो काम का सिचुएशन क्या है, ये जिम्मेवार कौन है, सबऑर्डिनेट। और सबऑर्डिनेट को अकाउंटेबल होना पड़ेगा किसके प्रति, सुपीरियर के प्रति। किसके प्रति, सुपीरियर के प्रति। सो माय डियर स्टूडेंट, अकाउंटेबिलिटी मींस द आंसरेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट टू हिज सुपीरियर
फॉर इट वर्क, सबऑर्डिनेट को जवाबदेही है कि जो उसको काम दिया गया है उस काम को पूरा करना। दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। सो अकाउंटेबिलिटी मीन्स द आंसरेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट। किसको जवाब देना है? सबऑर्डिनेट को जवाब देना है। किसको देगा? सुपीरियर को देगा। किस बात का? जो जॉब उसको असाइन किया गया है सुपीरियर के द्वारा, सबऑर्डिनेट को जो काम दिया गया है, अधिकार दिया गया है काम करने का, उसका जवाबदेही है किसके प्रति? सुपीरियर के प्रति। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेबिलिटी के लक्षण क्या है। नंबर वन, अकाउंटेबिलिटी कांट बी डेलीगेट टू सम अदर पर्सन। अकाउंटेबिलिटी दूसरे व्यक्ति को हम डेलीगेट नहीं करते हैं, नहीं सौंपते हैं। जैसा कि आपने दोनों में पढ़ा, जो एलिमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में क्या था, डेलीगेट करते थे किसी दूसरे व्यक्ति को, लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसी दूसरे व्यक्ति को हम डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। नंबर टू, इट इज ओनली टुवर्ड द डेलीगेटर। ये जो अकाउंटेबल होना पड़ेगा वो किसके प्रति? डेलीगेटर के प्रति, जो आपको काम सौंपा है। इसलिए द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट इज ओनली टुवर्ड द डेलीगेटर। एक सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल होगा टुवर्ड्स द डेलीगेटर, जिसने उसको अधिकार दिया है उसके प्रति उसको क्या होना पड़ेगा? अकाउंटेबल होना पड़ेगा। नंबर थ्री, इट्स बेस इज सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये इसका जो आधार है, अकाउंटेबिलिटी का जो आधार है वो क्या है? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का जो संबंध है उसके चलते ये अकाउंटेबिलिटी का फॉर्मेशन होता है। एंड लास्ट इज इट ऑरिजिनेट बिकॉज ऑफ डेलीगेशन अथॉरिटी। और इसका जन्म किस लिए हुआ है? ड्यू टू डेलीगेशन अथॉरिटी के चलते। डेलीगेशन अथॉरिटी का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को काम का अधिकार देना। सो माय डियर फ्रेंड, आज आप हमसे पढ़े एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो को कंटिन्यू करें, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।